वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको कहती है खुश आमदेद, और बात हो रही है आपकी हेल्थ की, शुगर की, लाइफस्टाइल की। और किसी ने अभी, मैं यही बात करूँ, किसी ने ये भी कहा था कि शुगर जो होता है वो टेंशन से होता है। अब आई डोंट नो, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं बाहर मुल्क में कि शुगर के बारे में डिस्कस की जाती है। ऑफकोर्स हर बंदे का अपना ओपिनियन है, लेकिन हम सोल्यूशन हर पर्सन से ये चाहेंगे कुछ सोल्यूशन निकल जाए। लेट्स सी, हम इसके ऊपर बात करेंगे, होम रेमेडी क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या ये मोटापे से होती है, हमारा फैट ज़्यादा हो जाता है, या हमारा पैंक्रियाज लबलबा काम नहीं करता, प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन या होम रेमेडी क्या है। लेट्स सी, हम रज़ा इलाही साहब के पास चलते हैं, ऑफकोर्स हकीम है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अगेन। जी वाले, देखिए जी, दुनिया के अंदर जो है वो हर साल तकरीबन एक कॉन्फ्रेंस इसके हवाले से होती है। अब उसमें जो चीज़ें, अच्छा, उसमें जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात और रिसर्च के मुताबिक जो अब तक के नतीजे हैं, जो अब तक मालूमात हुई असराई है, उसके तहत ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट को लो करना है। कार्बोहाइड्रेट में मतलब के अनाज, अनाज जो है इसको हम कार्बोहाइड्रेट, अच्छा, उसमें ओके ज्यादा ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में ये कि 100 ग्राम में आपको 60-70 ग्राम, 100 ग्राम जब आप चपाती खा रहे होते हैं 100 ग्राम की, तो उसमें 60-70 ग्राम शुगर बनती है, ग्लूकोज बन जाता है। तो एहतियाती तौर पे तो ये कि आपने कार्बोहाइड्रेट को लो करना है। अब लो कार्ब में जो है वो क्या आता है, इसमें सब्जियां आ जाती हैं, फ्रूट आ जाते हैं, सैलेड आ जाते हैं, ये लो कार्ब है। और ये तो वो वाली तहकीकात है। दूसरा इसमें क्या किया जाता है जी, कार्बोहाइड्रेट जब लो करते हैं तो उससे क्या होता है, शुगर लेवल ऑटोमेटिकली आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है। ये तो है वो जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात के मुताबिक। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत अगर हम चलें तो वो बहुत पहले की तहकीक है जी, वो बड़ी हतमी है। उसमें वैसे ही कार्बोहाइड्रेट लो होते हैं तो आपको शुगर हो ही नहीं सकती अगर आप उस पर अमल करें। क्या आपने भूख के तीन हिस्से करने, एक हिस्सा आपने खाली रखा, एक हिस्सा आपने पानी से भरा, और एक हिस्सा आपने रोटी से या चपाती से भरा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर लो होंगे, लेस हो गई ना, लेस हो गई। जब लेस हो गई तो पता चला कि शुगर होने की बुनियादी वजह यह है कि हम हाई कार्ब डाइट लेते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो हमने दो चपातियां सुबह खा ली, दो दोपहर को खा ली, दो रात को खा ली, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, कर कुछ नहीं रहे, बैठे हुए हैं हम, बिल्कुल ठीक है ना, सिवाय सोचने के, टेंशन लेने के और प्लानिंग करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मेमोरी चल रही है हमारी, फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं। तो एक मजदूर आदमी है, उसने सुबह तीन चपाती खाई, साथ में मक्खन खा लिया, घी खा लिया, उसने गुड़ खा लिया, अचार खा लिया, रज के खा लिया, लेकिन वो गया 12-1 बजे तक, खूब उसने पसीना बहाया, मुशक्कत भी आया, तो उसको शुगर होने के इम्कान कम होते हैं। तो ज्यादातर जो शुगर है वो ये है। अब तिब में जो है, एक तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका जो है, सुन्नत के तहत अगर आप के हम अमल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत गिजाई एतबार से, तो हमें जो है वो शुगर होने के इम्कानात यानी 80-90% है ही नहीं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो बचते हैं इम्कानात वो प्रोसेस फूड है, वो जो प्रोसेस फूड हम लेते हैं जिसमें बेकरी आइटम है, मिठाइयाँ हैं, कुछ चस्के के सामान जो हम बना के खाते हैं, उनमें इम्कानात होते हैं। अच्छा, तिब्बी लिहाज से ये है कि इसके हवाले से जो नुस्खाजात हैं वो अमूमन ये हैं कि जितने भी नुस्खे दिए जाते हैं वो अमूमन कड़वी चीज़ों के दिए जाते हैं, जैसे खुश करेला खा लें, ये सुना होगा आपने, गुड़मार बूटी खा लें, है ना, नीम की निमोलियाँ खा लें, तुम्बे के बीज खा लें, है ना, लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये आपकी बॉडी में जाके शुगर लेवल को कुछ हद तक, कुछ दिनों तक कवर करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि शुगर एक फरेबदा मर्ज है, अचानक शूट होगा, अचानक शूट हो जाएगा, और जब शूट होगा तो वो बड़ा खतरनाक होगा। एक तो शुगर को सीरियस रखना है, आप कंप्रोमाइज करना है, शुगर बीमारी नहीं है, शुगर नुक्स है, ये जहन में रखें, शुगर क्या है, नुक्स है, जैसे आपकी ये उंगली ये काम नहीं कर रही, ये नुक्स है, अब आपने इसको, इसके साथ कंप्रोमाइज करना है, इसको चलाना है, ये बीमारी समझ के इसका इलाज नहीं करें। ये जो आप दावे और ये 100% गारंटी है, किसकी शुगर सही हुई है, नहीं हुई, हो गई उसके बाद फिर हो गई, डाइट से हुई है, जिसकी भी शुगर कंट्रोल हुई है कार्बोहाइड्रेट लो करने से हुई है। और तिब में वो दवाइयां काम करती हैं जो आपकी भूख कम करें,
आपको आपको खाना ही कम खाना पड़े। जैसा कि एक नुस्खा है मैं आपको बता देता हूँ, आपने ग्रीन टी ले ली 30 ग्राम, मोरिंगा ले लिया 30 ग्राम, साथ में आपने जो ब्लैक टी होती है जो भी किसी भी ब्रांड की वो ले ली 30 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, कलौंजी 30 ग्राम, इनको आपने मिक्स करके एक जार में रख लिया। इसका एक चाय का चम्मच लिया, 1.5 कप पानी में पकाया, इसको बॉयल किया, ठंडा किया, छान के पी लिया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि शुगर कम होगी, नहीं, इससे दो काम होंगे, एक तो मेटाबॉलिज्म आपका हाई होगा, जब मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो आपके अंदर जो फैट है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो बर्न होना शुरू होगा, तबीयत एक्टिव रहेगी, चुस्त रहेगी, भूख कम लगेगी, जब भूख कम लगेगी तो कार्बोहाइड्रेट की आपको जरूरत ही कम पड़ेगी, यानी आप 2 रोटी की जगह वैसे ही 1 खाएंगे, जब 1 खाएंगे तो शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये, शुगर हो जिन जिन लोगों को शुगर है वो तकरीबन 70-80% पता कौन से लोग हैं, जो सुस्त वजूद लोग होते हैं, यानी उनमें वॉक नहीं होता, इसलिए आप दुनिया के बड़े स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, शुगर वाले मरीज के लिए वॉक बहुत जरूरी है और डाइट में ये चीजें जरूरी है। पहले हम समझते थे कि शुगर जो है वो चिकनाई खाने से बढ़ जाती है, या मीठा खाने से, मीठा खाने से बढ़ जाती है, चिकनाई खाने से बढ़ जाती है, लेकिन अभी जो तहकीकात है वो ये है कि आपको अनाज खाने से शुगर बढ़ती है, तो अनाज की जो लिमिट है वो नॉर्मल होनी चाहिए, इतना फ्यूल खर्च करें, यूं समझ लें कि आपने गाड़ी लेके कहीं जानी है ना, उसमें इतना पेट्रोल डलवाएं कि वापसी और आना जाना हो जाए, इतना नहीं डलवाएं कि एक हफ्ता तक पड़ा रहे। आज मुझे वो बात याद आ रही कि गंदम का दाना खाया तो फिर इतने सालों तक हवा बीबी के साथ, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम दूर रहे, और हम लोग जब ये दाना खाते हैं गंदम का, हम जब ये दाना खाते हैं जी हम मीठा नहीं खा सकते, ठीक है, हम बहुत सारे, हाँ, हम मीठा खाने से गए, जूस नहीं पी सकते, दुनिया की बहुत सारी ऐसी लज्जतें हैं जिनसे हम दूर हो जाते हैं, बिल्कुल, तो आप खाएं, लेकिन एक लॉजिक ये रखें, और नुस्खे जो भी आप इस्तेमाल करें, नुस्खे का मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि वो सिर्फ कड़वा नहीं हो, उसके अंदर लॉजिक ये होनी चाहिए कि वो आपका मेटाबॉलिज्म हाई रखे, और आपकी जब मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल जो है वो लो होगा, और एनर्जी जो है आपका एपिटाइट निज़ाम भी अच्छा रहेगा, जो कैलोरीज आपके अंदर हैं वो सही तरह से बर्न होगी, तबीयत चुस्त तो तवाना रहेगी। शुगर के मरीज में अमूमन क्या होता है, फ्यूचर में जिस्म सुन होना शुरू होता है, आसाबी या नर्वस ये वास्कुलर वीकनेस जो होती है वो बढ़ती है, तो मोरिंगा क्या करता है आपकी ये चीजें कवर करता है, तो मोरिंगा भी इसकी बेहतरीन हल है। क्या कैसे उसको मतलब उसका पाउडर को पक्की बना के लें, कैसे कैसे लें? देखिए सिर्फ अगर मोरिंगा लेना तो इस वक्त मोरिंगा की फलियां मार्केट में भरी पड़ी हैं जी। आपने एक फली ली और उसको क्या किया, आपने काट लिया, काट के उसको आपने 1 जग पानी में पकाया, जब आधा जग रह गया उसे छान लिया, छान के अब आप उसने, अब किसी के जी चाहे तो उसमें छोटी इलायची डाल ले, किसी के जी चाहे उसमें 1 चम्मच कलौंजी डाल ले, उसको छान के फिल्टर करके आप फ्रिज में रख लें, आधा कप इसका सुबह शाम पीते रहें, तो इससे बॉडी की एनर्जी लेवल भी सही रहेगा, शुगर भी आपकी काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। अगर उसके जो पत्ते हैं वो अक्सर मैं बना भी लेती हूँ घर में, उसको पहले अच्छी तरह वॉश किया, उसके बाद घर की अंदर की शेडो में उसे हमने सुखाया, वो 3 दिन में बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं, ग्रीन ही रहते हैं, और अगर धूप में तो फिर वो तो उड़ जाता है, वो नहीं, उसके वो असरात खत्म हो जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा, उसको मैं अक्सर पक्की की सूरत में। हाँ, अब देखें वो मोरिंगा जो है उसको मर्ज की नोयत के एतबार से इस्तेमाल किया, शुगर के, देखिए कलौंजी शिफा है तो मर्ज के एतबार से आपने देनी है ना, जो मर्ज है उसके साथ फिर आप टच करके देंगे, सिर्फ कलौंजी नहीं होगी, क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब किसी दवा के असरात मर्ज की माहियत और नोयत के मुताबिक असर अंदाज होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शफा होती है, शर्त है, देख रहे हैं ना कि ये शर्त है, तो आपने मोरिंगा, अगर आपको शुगर है, शुगर में इस्तेमाल करना है आपने मोरिंगा, तो फिर मोरिंगा के साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो फिर आपने मोरिंगा का आपने पानी जुशांदा बनाना है और उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़, और अगर मोरिंगा के साथ पत्तों में मतलब जो पत्ते उसके साथ करी पत्ता भी शामिल कर दिया जाए तो आपका जो ज्वाइंट्स है जैसे कैल्शियम है, कार्टेज जो आपका जो है वो कम हो जाता है, आपके ज्वाइंट्स में दर्द रहता है, आर्थराइटिस का जो मसला है, हड्डियों के दर्द है, उसमें ये करना है कि आपने
मोरिंगा के साथ कड़ी पत्ता अगर मिक्स करते हैं तो उसमें कैल्शियम की एक मुनासिब मिकदार आपके जिस्म में जाती है, उससे आपको इसमें बहुत फायदा। मैंने तीन चीजों का बनाया था, नीम के पत्ते थे थोड़े मिकदार में और समांजने के पत्ते थे और करी पत्ता था। ये इनको मैंने धो के अच्छी तरह फिर उसको जो है ट्रे में उनके पत्तों को फैला दिया। तीन दिन बाद वो बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए थे, ग्रीन ही। उनको मैंने फिर हाथों से ही किसी मशीन से नहीं उसको करके छान लिया था, वो मेरे पास एक बेहतरीन पाउडर बन गया। बस ये पाउडर जो है ये बेहतरीन है। ये एक तो खून के अंदर जो पैदा होने वाले अमराज पैदा करने, हम बहुत सारी गिजाई बेहतियातियाँ करते हैं, उन एहतियात बेहतियातियों करने से ये होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, वो पार्ट है जिसे हम कुवत मुखर्जा कहते हैं। वो क्या होता है कि आपको यानी ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में आती हैं जो टॉक्सिन होते हैं, वो खारिज नहीं हो पाते। जब नहीं हो पाते तो मस्से की सूरत में बाहर आते हैं, कहीं गिल्टी की सूरत में बाहर आते हैं, कहीं वो फ्यूचर में जाके बीमारियां बनने के सबब पैदा होते हैं। तो हम जब नीम के साथ मोरिंगा इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में आप ट्यूमर, गिल्टियां, गदूद, प्रोस्टेट, इस तरह के जो प्रॉब्लम बीमारियों से महफूज रहेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा रजा साहब आपके साथ इतनी खूबसूरत। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, जजाए खैर, अल्लाह मेरे साथ अच्छा लगा इनको गुफ्तगू करना। बहुत अच्छा आपका आने का, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, हेल्थ सेगमेंट यहाँ पर हो गए इख्तिताम को और अभी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना नहीं, ये नेक्स्ट सेगमेंट बिल्कुल रेडी है और वो है ब्यूटी सेगमेंट। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी।